अस्सलाम वालेकुम, और कैसे? सब ठीक है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिज़िक्स क्लास मैट्रिक का जो मॉडल पेपर है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का, वो आपसे मैं शेयर करूँगा। सॉल्व्ड मतलब सॉल्व पूरा पेपर होगा, क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व होंगे, एमसीक्यूज वो सॉल्व होंगे, तो आप अपने बस नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें हाफिज़ इरफान स्पीक्स को, और अगर पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं hafizirfanspeaks@gmail.com। तो सबसे पहले सेक्शन ए है और इसके एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड हैं, रेड्स हैं, तो आप यहां से नोट कर लें अपने पास। मैं आराम आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। आप अपने पास जो मॉडल पेपर सामने रख लें अपना हार्ड कॉपी में, और फिर यहाँ से अपने जो तमाम जो जवाब हैं वो अपने पास नोट कर लें। टोटल 60 नंबर का पेपर है, 15 का प्रैक्टिकल है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम सॉल्व देख लें, राइट आंसर जो टिक किए हैं वो सही तरीके से देख लें और अपने पास सही तरीके से नोट कर लें, सही है? मैं आराम आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप अपने पास नोट कर लें, सही है, और दूसरों से भी शेयर कर लें तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अब दूसरों का सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छा ही होगा आपके साथ। अब दूसरों का सोचा करें, दूसरों का शेयर कर लें, लिंक शेयर कर लें, यूट्यूब का ये शेयर कर लें, या अगर ये शेयर कर लें और कर लेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी लोग भी, वो जो बच्चे हैं वो भी सॉल्व कर लेगा अपना पेपर, सही है? मैं आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 हो गया, ये 6 क्वेश्चन है, उसका जवाब नीचे लिखा हुआ है, 7 नीचे लिखा हुआ है, आप देख लें, 7 के बाद 8 लिखा हुआ है, 8 का आप जवाब देख लें सही तरीके से, सही है? मैं आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल है, इसको सही तरीके से आप देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये सही तरीके से आप देख लें, सही है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वो सही तरीके से देख लें, नोट कर लें अपने पास। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, न्यूमेरिकल है, ये सही तरीके से नोट कर लें अपने पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये अपने पास आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये अपने पास आप नोट कर लें, ये भी न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल, इतना मुश्किल नहीं है ये, अपने पास नोट कर लें। और सेक्शन सी यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर आपको सेक्शन बी में अब 8 सवाल करने हैं, मतलब एक सवाल 3 नंबर का है तो 24 नंबर के तमाम सवाल हो जाएंगे। और सेक्शन सी भी 24 नंबर का है, एक सवाल 6 नंबर का है, और कोई भी 4 सवाल आपको करने होंगे इसमें से, सही है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, मैं तो शुरू हो रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो अपने पास नोट कर लें, सही है? क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, 17 देख लें, 18 देख लें, 19 पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर था आपका। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो दूसरों से भी शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।